गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबके दिल की जान, मैं हूं रिजवान खान। हाथों की उंगलियों को क्या कहते हैं? फिंगर। आपका भाई आया हुआ है आंटी सिंगर। दिल 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 मम्मा पापा का दिल, प्यारा दिल 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 प्यारे बच्चों का दिल, प्यारा दिल 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 वाइफ हस्बैंड का दिल, प्यारा दिल 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 साला बहनों का दिल। दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो। दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना कहो, हटो बचो। यह है आंटी जिंगर की सुजुकी, जहाँ पे जिंगर बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ का जिंगर, और दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं खाने के लिए। भाई, कब से खा रहे हैं आप जिंगर? हम तो 6 महीने से आ रहे हैं। 6 महीने से आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फैमिली भी मौजूद है, यहाँ बच्चे भी आए हुए हैं बहुत क्यूट से, ये बेबी भी आए हुए। भाई, आप भी जिंगर खाने आए हुए? आप कब से आ रही है यहाँ पे? हमें तो बहुत टाइम हो गया यहाँ पे आते हुए। आपको बहुत टाइम, कैसा लगता है आंटी का जिंगर आपको? बहुत जबरदस्त, काफी टाइम से खा रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है। बहुत अच्छा टेस्ट है। कराची में बहुत जिंगर हैं, लेकिन आंटी के हाथ का जायका ही अलग है। वाह 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 वाह, मतलब माँ के हाथ का जायका ही अलग होता है। अलग ही बिल्कुल ऐसी, बहुत अच्छी बात की आपने। अब हमें आंटी से मुलाकात करनी पड़ेगी। आ जाए आंटी से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आंटी? आपने ये कब से काम स्टार्ट किया है? मुझे तकरीबन 1 साल। 1 साल से? तो आप ये अकेले कर रही हैं या इसके अंदर आपका कोई साथी भी है? ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ है। हस्बैंड है? कहाँ है आपके हस्बैंड? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? भाई माशाल्लाह, मैं यकीन करें मैं नॉर्थ कराची से आया हूँ सिर्फ आपका ये सुन के आंटी जिंगर। आंटी जिंगर जो नाम आपका जो मशहूर हुआ हुआ है, ये किसने रखा है? ये आप लोगों ने रखा है, मीडिया वालों ने। अच्छा, ये हम लोगों ने रखा है? पहले मेरे हस्बैंड ही करते थे। अच्छा, मसले वगैरह आए हैं तो इसके बाद मैं खड़ी हो गई। तो ये तो, और आपका काम माशाल्लाह अच्छा हो गया ना, कि दोनों जीवन साथी जो है एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो काम में भी मोहब्बत है और आप दोनों में भी मोहब्बत है। सुजुकी में आई थिंक हुआ भाई पूरा सेटअप। तो ये किसका आइडिया था? ये आइडिया मेरे हस्बैंड का ही है। अच्छा, ये आइडिया भी आपके हस्बैंड का? आपको तो पता ही कराची में होता है कि यार हम ये काम क्यों करें। लोग शर्माते हैं ना यार, आप भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, हम वो क्यों कर रहे हैं, हम वेटर क्यों बने। लेकिन आप दोनों ने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसा ही है सर। आवाम से क्या कहना चाहेंगे आप, चलें बताएं। आवाम से ये कहना चाहेंगे यार कि इस तरह के जो छोटे मोटे हमारी तरह काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करें? बिल्कुल। तो आपका ये जो स्टॉल लगा हुआ है जिंगर का, ये कहाँ पर है? कोई ऐसी लोकेशन जो बहुत फेमस हो यहाँ पे? ये हमारे सोजे बाजार के अंदर यामिन कबाब हाउस बहुत मशहूर है। यामिन कबाब? जी जी, यामिन कबाब हाउस, उसके सामने। उसके बिल्कुल अपोजिट। जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हमारे जो भाई हैं उन्होंने एड्रेस बता दिया है, सोल्जर बाजार यामिन कबाब हाउस के बिल्कुल सामने एक ये आपको दिख जाएगा। सुजुकी खड़ी भी आप ये समझेंगे कि पिकनिक की है, लेकिन ये पिकनिक की नहीं है भाई। अच्छा, मैं आंटी आपसे एक मेरा सवाल है कि आप ये जो काम कर रही हैं इसमें कोई परेशानी, कोई ऐसी बात? बहुत ज्यादा परेशानी, क्यों? यहाँ पर माशरे में औरत को खड़े होना बहुत मुश्किल है। वो अजीब सी नजरों से देखते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता, बिल्कुल। आपको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं पड़ता मुझे। मैं यहाँ मेहनत करने के लिए खड़ी हूँ, मेहनत कर रही हूँ, बिल्कुल मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला। तो जो भी जितनी भी औरतें हैं पूरे दुनिया की, पूरे पाकिस्तान की, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं तो कहती हूँ निकले, आपको सपोर्ट मिलता है, निकले बाहर, करें काम, काम करें, बिल्कुल करें। किसी भी काम से शर्माना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बिल्कुल, आप शर्माएंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आपके घर में कोई खाना देने नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। मैं यकीन है आपको खाना देना, आपको खुद मेहनत करनी है, अपने बच्चों के लिए करना, सब कुछ करना, खुद करें और शर्माएं। बिल्कुल आप मेहनत करें, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे तो क्यों शर्माएं। अच्छा अंकल, होम डिलीवरी का क्या सीन है? होम डिलीवरी बिल्कुल अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर भी है? जी जी, भाई ये देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर भी है। और कब से कब तक है होम डिलीवरी? बस ये तकरीबन शाम 5 बजे से और रात तकरीबन 1 बजे तक। रात 1 बजे तक, शाम 5 से। ठीक हो गया। मैं जो हूँ जिंगर, बिल्कुल आपका भी ट्राई करूंगा जब आया हुआ हूँ, तो ताकि मैं आवाम को बता सकूँ कि अच्छा इसके प्राइस क्या है जिंगर के? 120 का हो गया है जिंगर अभी। 120 का? 120 का, 180 का भी है मेरे पास, क्लब सैंडविच भी है, पिज्जा फ्राइज भी है। ये देखिए आपके भाई का जिंगर भी आ गया और क्लब सैंडविच भी आ चुका है। अब ये करेंगे हम टेस्ट और आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट और इसका जायका कैसा है, माँ के हाथ का जायका। खा लूँ, जरा सबर रखें, सब पे जरा थोड़ी करना है, मैं मुंह में लेती ही बता दूँ कैसा है भाई, फिर ऐसे ही बता दूंगा, ट्राई करके बताऊंगा। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है कि माँ के हाथ का जायका कैसा होता है।
सबके घर में जो अम्मी जान जो खाना बनाती हैं वो कोई नहीं बना सकता, क्योंकि उनके हाथ में जो जायका है ना, जो लज्जत है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो किसी के हाथ में भी नहीं हो सकता। ये देख सकते हैं हमारे मुल्क के मुहाफिज सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सिंगर कब से ट्राई कर रहे हैं? ये आंटी लगभग 1.5 साल हो गया है और मैं मददगार 15 पे होता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। कमांडर माशाल्लाह। तो आंटी के साथ हमारा जब से ताल्लुक है माशाल्लाह। आप मतलब आप भी सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही। और ये देख सकते हैं भाई हमारे मुल्क के मुहाफिज जो कहते हैं लोग के भाई पैसे नहीं देते खाने पीने की चीजों में, ये देख सकते हैं आप कि पैसे दे के चीज ली जा रही है। सर बहुत शुक्रिया, आप मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के कि आप भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई क्या कहना चाहेंगे आवाम से? बस आवाम से तो ये कहना चाहेंगे जो पुलिस के लिए जो तासुरात जो है वो उनके ठीक करे, मतलब सही है। मगर ये कि हर बंदा एक जैसा नहीं है। वाह बहुत अच्छी बात, उंगलियां बराबर नहीं है। बहुत अच्छी बात की। हम मददगार 15 के हैं जवान, तो मेरे साथ 4 बंदे होते हैं। अच्छा जी। तो मेरी गाड़ी आगे खड़ी हुई है तो मैं पैदल चल गया। सर इसका तो देखें मैं भी गवाह हूँ, मैंने अपनी आंखों के सामने आपको देखा है कि आप जो है चीज जो है परचेज कर रहे हैं, आपने बाकायदा पैसे दिए। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। पूरे सोल्जर बाजार का एरिया जो है जी जी वो हमारी खुद गवाही देगा कि मददगार वाले पैसे दे के चीज लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपसे ये मैसेज गया है और भी लोगों को ये मैसेज गया है कि भाई किसी से भी कोई भी चीज खरीदे तो उसके पैसे दें। हर बंदा मेहनत कर रहा है, हर बंदा काम कर रहा है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। काम थोड़ा स्लो है तो इस वजह से मेरे काम शुरू कर दिया। काम स्लो है आंटी ने कहा, तो इसलिए आंटी ने काफी सारी चीजें इसमें ऐड कर दी है। क्लब सैंडविच है, पिज्जा फ्राइज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई आपका भाई इस टाइम सोल्जर बाजार की गलियों में यामीन कबाब हाउस के बिल्कुल सामने इस टाइम खड़ा हुआ है, और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं मुझसे मोहब्बत करने वाले, मुझसे प्यार करने वाले, वो यहाँ पे आए और आंटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि जब मैं यहाँ आ सकता हूँ नॉर्थ कराची से मैं यहाँ आया हुआ हूँ इनके पास, तो आप लोग भी उठ के आए ट्राई करें सिंगर, क्योंकि कराची में खाने पीने का जो फास्ट फूड का वो रिवाज है वो बहुत ज्यादा है। हर दूसरा बंदा जो है भाई आओ फास्ट फूड खा के आते हैं। तो भाई जब अपने एरियो में भी आप खा रहे हो तो एक दफा मेरे कहने पे आपका कोई यूनिक कोई अलग से भी नाम है इसका, या आंटी जिंगर ही है? आंटी जिंगर है, वैसे मेरे आंटी जिंगर है भाई, आंटी जिंगर है, नाम कोई भी हो आंटी जिंगर के नाम से आपको यहाँ पे ये आंटी मौजूद है, और आपने यहाँ पे आके आंटी जिंगर का जिंगर या सैंडविच या कोई भी जो यहाँ की यूनिक चीज है आपने लाजमी ट्राई कर लिया। ठीक हो गया, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेज है आपके लिए और अंकल के लिए। आप दोनों ने आज ये स्टॉल लगाया हुआ है, कल को आपका ये ब्रांड होगा आंटी सिंगर के नाम से, ये मेरी दुआ है बस। आवाम मुझे पता है कराची की आवाम जो है ना बहुत प्यार करती है। आंटी अगर कोई मेरे रेफरेंस आएगा तो उसके लिए क्या आप कोई डील निकालना चाहेंगे? बिल्कुल देंगे, आप दोनों ने बोल दिया। आंटी ने कहा कि जितना मैं कर सकी मैं करूंगी, फेवर जरूर करेंगी भाई। अब आप लोगों ने लाजमी है ना, आपके भाई ने यहाँ पे भी आप लोगों की सेटिंग बना दी है, ठीक है ना? जितना भी कर सकेंगे लेकिन आपके लिए फेवर है, 10% हो, 20% हो, या और कोई चीज ऐसी हो जो वो कर सकेंगी वो आप लोगों के लिए करेंगी, वो भी आपकी भाई की वजह से। तो प्लीज यहाँ पर आए, विजिट करें, टेस्ट करें, और आंटी को जरूर रिव्यू दें कि आंटी का सिंगर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। रिजवान खान को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।